और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, संसद सत्र को लेकर आपको बता रहे हैं, खबर अहम है। विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक का हो सकता है संसद का विशेष सत्र। दिल्ली से बड़ी खबर है, संसद का विशेष सत्र 24 जून से हो सकता है। 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 26 जून को हो सकता है। जी हां, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को हो सकता है। विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक का हो सकता है। टोटल 8 वर्किंग डे के लिए ये सत्र हो सकता है। इस वक्त बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर है कि संसद का विशेष सत्र 24 जून से हो सकता है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से हो सकता है। 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण होगा, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को हो सकता है। विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक का हो सकता है। टोटल 8 वर्किंग डे के लिए यह सत्र हो सकता है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली से खबर यह कि संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो सकता है। संसद का विशेष सत्र 24 जून से शुरू हो सकता है। ये 18वीं लोकसभा की संसद का यह सत्र होगा। 24 और 25 जून को सांसदों का शपथ ग्रहण होना है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 26 जून को हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष कौन हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर सभी की निगाहें हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी 26 जून को हो सकता है। विशेष सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक का हो सकता है। टोटल वर्किंग डे के लिए यह सत्र होगा। टोटल 8 वर्किंग डे इसमें हो सकते हैं। और मंत्रालय बांटे जाने के बाद कई मंत्रियों ने अपना पदभार आज से संभाल लिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अमित शाह ने कामकाज संभाला। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। वहीं जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले नड्डा बीजेपी ऑफिस गए थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं कार्यभार संभालने की, एक का केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह और जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री होंगे। मंत्रालय बांटे जाने के बाद मंत्रियों ने अपना पदभार आज से संभाल लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अमित शाह ने कामकाज संभाला। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मौजूद रहे। और वहीं जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस भी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। और अमित शाह दूसरी बार गृह मंत्री बनाए गए हैं। इस बार जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की निगाहें उन पर होगी। खास तौर से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को समाप्त किया और पत्थरबाजी सहित तमाम हिंसक घटनाओं पर लगाम लगाई गई। मोदी सरकार 3.0 में गृह मंत्रालय पर खास नजर रहने वाली है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आज अपने ओहदे का चार्ज ले रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि गृह मंत्रालय में इस बार भी किसी तरह का बदलाव या चेंजेस नहीं हुए हैं, क्योंकि नित्यानंद राय एमओएस वो भी उसी तरीके से बरकरार रखे गए हैं जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह वो भी दूसरी बार गृह मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण है और सबकी नजरें जो गृह मंत्री अमित शाह और नित्यानंद राय पर रहने वाली हैं, क्योंकि अगर आप देखें जम्मू कश्मीर से जिस तरीके से धारा 370 को समाप्त किया गया था वो एक बड़ा काम हुआ था। उसके अलावा जिस तरीके से वहां पर आतंकवादी गतिविधियां थी, वहां पर टेररिज्म था, पथराव होते थे, ये तमाम चीजें जो होती थी उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके का माहौल बनाया, जिस तरीके की अमन शांति आई और विकास हुआ, वो तमाम चीजें अपनी जगह है। तो लेकिन अब आगे उन पर नजर रहेगी कि वो किस तरीके से अपना ऑरा बरकरार रखते हैं, अपना रोब और दबदबा बरकरार रखते हैं और किस तरीके के कदम जो कुछ उन्होंने बनाकर रखा है उसको आगे लेकर जाते हैं। इसी तरीके से अगर लद्दाख की बात करें तो गृह मंत्रालय के साथ जो बातचीत होती रही है लद्दाख को लेकर, खासतौर से सिक्स शेड्यूल को लेकर, उस पर काफी बड़ी नजर रहने वाली है। इसी तरीके से लद्दाख के जो लोग हैं वो स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, वो भी एक बड़ी बात है। और इसी के साथ साथ इसी कार्यकाल में जिस तरीके से एक और पार्लियामानी सीट, यानी कि एक और पार्लियामेंट्री सीट की मांग लद्दाख की है,
एक लेह के लिए हो और दूसरी करगिल के लिए हो, ये जो मांग है इसको लेकर के भी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह इस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उस वक्त डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ये तमाम चीजें तय की जाएगी। अब तक इस बात को लेकर टाल दिया गया है कि 2026 में तक इस मामले को ठंडे बस्ते में रखा जाए, लेकिन अगर इन तमाम चीजों के अलावा अगर देश को लेकर देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से सीए को लेकर कानून बनाया, धारा 370 को समाप्त किया, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं वहां पर जो उग्रवाद था उस पर किस तरीके से लगाम लगाई, ये तमाम चीजें गृहमंत्री अमित शाह के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर इससे भी आगे उनके चैलेंजेस की बात करें तो इस बार जातिगत जनगणना का जो एक इशू है वो एक इशू रहने वाला है, और उससे भी आगे जाकर मतगणना का एक इशू है जो उन्हीं के इसी कार्यकाल में उनको कराना है। तो कुल मिलाकर कहें अग्निवीर पर बातचीत हो रही है कि उसको रद्द किया जाए, ये तरह का दबाव जो अलायंस पार्टियां हैं उन्होंने बनाया है। और इसी के साथ साथ अगर बात करें कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो कार्यकाल पिछले समय में रखा है और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है उसको बनाए रखना, उसको आगे ले जाना, यह एक चुनौती रहने वाली है। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18, दिल्ली।